अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के शुक्र से हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज है संडे, अभी बज रहे हैं सुबह के 11। तो मेरे हो रही थी सुबह के नाश्ते की तैयारी, मतलब नाश्ता ही करने जा रहे थे। 11 बजे हमारा नाश्ता हो रहा था, तो यहाँ सब हम जा रहे थे चाय पीने, क्योंकि अभी तक किसी ने कुछ खाया पिया नहीं था। इतना सब लेट उठे थे, तो लेट उठने की वजह से तो और ज़्यादा लेट ही हो गए। वैसे भी मेरा नॉर्मल भी इतना टाइम हो ही जाता है। तो बस नाश्ता हमने सब कर लिया था, नाश्ता वगैरह हो चुका था हमारा, तो मैं आ गई थी फिर किचन में। तो क्योंकि किचन में मैंने थोड़ा सा सामान वगैरह मंगाया था, दाल वगैरह, क्योंकि राशन में नहीं मंगाई थी मैंने अपनी, तो क्योंकि एक तो बरसात का सा टाइम हो रहा है तो उसमें ना ख़राब हो जाती है, तो मैं थोड़े थोड़े करके मंगाती रहती हूँ। तो मैंने फिर वो भर रही थी अपना। और यहाँ देखो ये आराम लगा हुआ है, ये मैंने कल ना अपना कंबल भी खो दिया था, मतलब इतना ज़्यादा गंदा हो रहा था। कितनी बार मैंने इसको वॉश करा लिया, ड्राई क्लीन करा ली, लेकिन वो चीज़ नहीं होती। ऐसा लगता है इतनी गंद भर गई है दुनिया भर की, इसमें ऐसा साफ़ ही नहीं होता वो। तो फिर मैंने उसको घर में ही भिगो दिया था उसको, तो मैं तो एक दिन मैंने भिगो के रखा, तो फिर आज संडे को मैंने उसको धुलवाया धोया है मतलब। तो इसलिए बच्चे मज़े मज़े से आराम से मैं करवाई थी, मेरा आराम तू कर इसको, तो जल्दी से थोड़ा सा ऐसा कुछ साफ़ हो जाएगा। और बच्चे ना कर भी लेते हैं थोड़ा मज़े में, बच्चों को पता नहीं चलता है, खेल खेल में सब कर देते हैं। तो यहाँ मैंने खाने की तैयारी भी कर रही थी, क्योंकि आप देख सकते हैं अब मेरा पूरा किचन इस कदर फैला हुआ था। तो खाने में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, चावल ही बनाऊँगी, क्योंकि चावल का क्या है वो जल्दी से बन जाते हैं, पुलाव वगैरह कुछ बनाओ तो जल्दी बन जाते हैं, ऐसे टाइम पर बहुत ज़्यादा काम भी फैल जाता है। तो यहाँ बस अम्मी कुरान शरीफ पढ़ने बैठ गई थी नाश्ता वगैरह करने के बाद, और ये फेज़ पढ़ा रहा था आलिया को, क्योंकि इस मैडम के भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, बच्चों के एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो बच्चों को कुछ भी नहीं पढ़ पा रही है। ये तो बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ती है, खेल में ही लगी रहती है बस। तो इसको तो ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ता है इसके ऊपर, और बेचारा फेस खुद इतना टेंस है कि उसको भी इसका एग्ज़ाम है, उसको पढ़ना होता है, क्योंकि उसको ही सबसे ज़्यादा फिक्र होती है। ये दो बच्चे तो मेरे बहुत ही ज़्यादा मुझे परेशान करते हैं। तो यहाँ पर फिर लग गए थे हम अपना धोने कंबल उम्बल, क्योंकि मैंने अभी कुछ भी काम नहीं हुआ था। पहले ना हम इसको ही करने लग गए, मैं कहा चलो इसको धोते हैं, पहले भिगो तो मैंने लिया इस अपने, लेकिन इतनी मुसीबत हो गई, धुल भी गया, मतलब मेहनत तो हुई, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी पर धोने में, क्योंकि इतनी गंदगी, इतनी गंदा सब लग रहा था बहुत ज़्यादा। लेकिन जैसा मैं चाहती थी, अल्लाह के शुक्र से ऐसा ही हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा साफ़ धुल गया था। मेहनत तो बहुत सारी हुई थी हमारी, पर यह था कि बच्चों के साथ मिल के ना पता नहीं चला। तो ये देखो मैंने धो के कम्बल उतर कुर्सी पर दिया था, उसके बाद यार आपकी चल रही थी मस्ती। यहाँ शक्ल देखनी है, शक्ल भी देख लो, शक्ल भी देख लो इसकी, काले से में वीडियो बननी ठीक है, देख ले इसे, लाज आ गई लाज। तो और हम ऐसी मस्ती कर रहा था, हम इसको छेड़ रहे थे, क्योंकि ये ना इतना शरारती है बहुत ज़्यादा, तीनों बच्चों में मेरे सबसे ज़्यादा शरारती यही है। तो बस मेरा फिर जो मैंने मशीन भी लगाई हुई थी, तो वो कपड़े भी मैंने अपने सब संगवाए थे। फिर उसके बाद में दोपहर का मैंने कुछ नहीं शूट किया, क्यों खाना वाना मैंने बताया बना लिया था, जैसे कि मैं बताई थी मैंने चने की दाल के पुलाव बना लिए थे, दाल डाल के चने की। लेकिन फिर उसके बाद मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई शाम में भी कुछ बनाने की, पर फिर बच्चे कह रहे थे कुछ बना लो अच्छा सा, तो बस फिर मेरा क्या होता है कि जल्दी से ऐसा कुछ बना लूँ फटाफट बन जाए जो। तो यहाँ मैं बना रही थी चटनी वाला चिकन, तो ये मैंने आधा किलो अपना चिकन मंगा लिया था, तो उसमें मैंने लहसुन की चटनी डाली थी, लहसुन की चटनी 3 चम्मच मैंने डाली थी, क्योंकि ये बहुत तीखा अच्छा लगता है, तीखा बनता है ना बहुत मज़े की लगती है ये, तो ये उन्हीं के लिए जो बहुत ज़्यादा तीखा खाने वाले हैं। तो फिर इसमें बस ज़्यादा कुछ नहीं डलता, बस लहसुन की चटनी, चाट मसाला और नमक मैंने डाला था अपने टेस्ट के हिसाब से, और मैंने डाल दिया था थोड़ा सा तेल, क्योंकि तेल वेल भी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता इसमें। बस ये 15 से 20 मिनट में तैयार हो जाता है, क्योंकि पानी हल्का सा पानी डाल के, क्योंकि चिकन पानी छोड़ देता है, तो मैंने हल्का सा पानी डाल के इसको रख दिया था। 15 से 20 मिनट में बिल्कुल ये तैयार हो गया था भुन के, देखो देख सकते हो आप, तो इस तरीके से भुन जाता है ये। पर ये ना रोटी से नहीं खाया जाता ऐसा, ये ना ऐसे ही खाया जाता है, तो ऐसा अच्छा लगता है, मतलब ऐसे भी, मतलब हमारा दिल कर रहा है ना कुछ चटपटा सा खाने का, और कुछ भी नहीं हो तो फटाफट इसको बना लो, मान लो फ्राई में भी इतना टाइम लगता है, तो देखो ये ऐसी खुशक सी बोटियाँ हो जाती हैं बिल्कुल। फिर इसमें नींबू डाल के और चाट मसाला डाल के खाओ तो बहुत ही मज़े का लगता है, ऊपर से इसमें बटर डालो तो बहुत ही मज़े का लगता है। जैसे चिकन फ्राई हम करते हैं तो उस जैसा टेस्ट इसका बहुत अच्छा सा आ जाता है, लेकिन मुझे तो रोटी के साथ में खाना था ये। तो रोटी के लिए मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा सा मैं क्या करती हूँ, इसमें ग्रेवी कर लेती हूँ, ग्रेवी सी बना लेती हूँ उसकी। तो ग्रेवी वैसे तो मैं कुछ बना नहीं पाती इसकी ग्रेवी, तो मैं इसमें क्या करती हूँ दही डाल देती हूँ, दही से क्या होता है इसकी अच्छी सी ग्रेवी हो जाती है। तो मैंने थोड़ा सा निकाल दिया था इनके लिए, अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि उनको ऐसे ही पसंद है।
उनको ऐसे खाना होता था तो उनके लिए मैंने ऐसे ही निकाल दिया था। तो फिर बाकी मैंने इसमें ग्रेवी कर ली थी, तो ग्रेवी के लिए मैंने ले ली थी 200 ग्राम दही। तो दही इसमें ज़्यादा खट्टा नहीं पड़ता, दही थोड़ा ऐसा होना चाहिए जो मीठा मीठा क्रीमी क्रीमी सा जो दही आता है वो वाला इसमें दही डालो। तो मैंने वही इसमें दही डाली अपनी 200 ग्राम के करीब, बिल्कुल अच्छे से उसको मतलब अच्छे से वो करके मैश करके बिल्कुल क्रीमी क्रीमी सी बना के उसको तब मैंने इसमें डाला था दही को खूब अच्छे से फेंट के। तो उससे ना बहुत अच्छी सी ग्रेवी सी हो जाती है, तो फिर मज़े से खाई भी जाती है, फिर आराम से रोटी खा सकते हैं, रोटी के साथ चावल के साथ हम इसे खूब मज़े से खा सकते हैं। तो देखिए ऐसा बनाता है चिकन, तो सही में आप लोग ट्राई करके देखना, बहुत ही मज़े का लगता है, बहुत फटाफट बन जाता है जल्दी से। और तीखा का तो यह है कि अपनी मर्ज़ी है, जैसा भी आप तीखा अगर कम ज़्यादा खाते हो तो कम ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन ये चटनी वाला है तो चटनी वाले में तो चटनी होती है तभी मज़े का लगता है, क्योंकि चाट मसाला नींबू सब डलता है तो खट्टा तीखा एकदम इतना अच्छा सा मिक्सचर हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ थोड़ा ग्रेवी कसा हो गया था तो ग्रेवी आराम से खाई जाती है, और इसमें बटर डाल लो बटर के साथ में और भी मतलब मज़े का लगता है ये। तो कैसी लगती है आपको मेरी रेसिपी ज़रूर बताना मुझे कमेंट्स में, क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज़ें मैं बनाती हूँ, बहुत मतलब मज़े की बनती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यहाँ मेरा ये भी हो गया था, सब काम निपट चुके थे, खाना वाना सब बन चुका था, यहाँ मैडम कर रही थी अपने एग्ज़ाम की तैयारी तो ये टेबल सुना रही थी, तो मैंने इसका ज़्यादा कुछ लिया नहीं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और दुआओं में याद रखने दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।